How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am your chemistry teacher, Ms. Ramisha, and today we will study unit number two laws of chemical combination. It is a continuing lecture of this chapter. If you remember, a student in my last video, we will talk about the laws of chemical combination. First law is law of conservation of mass, and second law is law of definite proportion and law of multiple proportion. But in this video, we will talk about the law of reciprocal proportion. स्टेटमेंट क्या है इसका इट स्टेट्स दैट व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट टू डिफरेंट एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन होते हैं विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट द प्रोपोर्शन इन विच द कंबाइन यानी कि उनका जो जो, जो प्रोपोर्शन जिस प्रोपोर्शन से वो कंबाइन हो रहे हैं विद वन एंड अदर शेड भी आदर इन द सेम वो क्या होगा सेम होगा और सम मल्टीपल ऑफ एट होगा इसका मतलब क्या है कि रेशियो एग्जाम्पल्स हम समझते हैं रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कार्बन कार्बन का और ऑक्सीजन का रेशियो कार्बन में क्या है कार्बन और ऑक्सीजन सेपरेटली कंबाइन हो रहे हैं हाइड्रोजन से और क्या बना रहे हैं आपके पास मिथेन बना रहे सी एच फोर एंड वॉटर वाटर बना रहे हैं एच टू रिस्पेक्टिवली रेशियो बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज ट्व टू फोर जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आया थ्री रेशो वन फोर वन जो फोर थ्री इन वाटर रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज सिक्सटीन इज टू टू इसको सॉल्व करने पर क्या आया वन इज टू एट टू वन टू टू एट सिक्सटीन अब यहाँ पर एक डायग्राम देखें हम के हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन अब कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना सकता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना सकता है वाटर अब यहाँ देखें कि कार्बन का अटोमिक मास कितना होता है ट्वेल्व हाइड्रोजन का वन होता है फोर लगा हुआ है तो फोर से मल्टीप्लाई किया तो फोर आ गया सिम्प्लीफाई किया फोर वन जा फोर फोर थ्री जी ट्वेल्व तो उसका रेशियो है थ्री इज टू वन अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना सकता है हाइड्रोजन का अटामिक मास वन होता है इसके नीचे टू लगा हुआ है टू से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया टू ऑक्सीजन का सिक्सटीन होता है तो सिक्सटीन सॉल्व किया टू वन जो टू टूल्व सिक्सटीन इसका रेशियो क्या वन इज टू एट आ गया अब हम देखें कि वन ग्राम यहाँ पर हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे थ्री ग्राम कार्बन के साथ ठीक है अब यहाँ पर अगर हम वाटर में देखें तो यहाँ पर भी वन ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे एट ग्राम ऑक्सीजन के साथ ठीक है तो यहाँ पर फिक्स्ड मास जो है वो किसका है हाइड्रोजन का हमने स्टेटमेंट में यही पढ़ा था कि कि टू डिफरेंट एलमेंट सेपरेटली कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं विद द फिक्स मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट और फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट क्या है हाइड्रोजन फिर क्या बोल रहे थे कि द प्रोपोर्शन इन विद द कंबाइन फॉर प्रोपोर्शन जिसमें ये कंबाइन हो रहे हैं और अदर सेम होगा और सम मल्टीपल ऑफ इट होगा मिसाल के तौर पे यहाँ पर कार्बन का रेशियो थ्री है और ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो एट आया है ठीक है अब ये इनके जो है से है है। मास हैं जिससे आपस में कम्बाइन हो तो रहे हैं फिक्स मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट में फिक्स मास क्या है वन ग्राम है तो इन दोनों का जो मास होगा मतलब ये जो है अब हम कार्बन और ऑक्सीजन का अगर हम क्या निकालें इनका रेशियो निकालें तो वो रेशियो यही आएगा जो कार्बन का मास और ऑक्सीजन का मास है जैसे कार्बन का थ्री है हमने निकाला और ऑक्सीजन का क्या निकाला एट निकाला अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालें तो उसका रेशियो भी यहाँ थ्री और यहाँ एट है तो यही आएगा थ्री टू एट ये प्रूव करता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोशन को जैसे हमने कार्बन का लिया एटॉमिक मास ट्वेल्व होता है ऑक्सीजन का सिक्सटीन होता है टू मल्टीप्लाई किया तो थर्टी टू आ गया उसके बाद जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो थ्री जी टू एट आ गया तो ये देखिए यहाँ पर कार्बन थ्री था और ऑक्सीजन क्या था एट था तो ये प्रूफ हो गया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज एन एटॉमिक मास एंड इट्स यूनिट एटॉमिक मास एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज नाउ टेकन एज the average mass of a natural mixture of isotopes which is compared to the mass of the one atom of carbon 12 amu ab atomic mass kya hota hai students ki agar hame kisi bhi element ke atom ka mass atomic mass calculate karna ho hu, to hum kya karenge उस element के atomic mass को relate करेंगे एक standard element के mass के साथ और standard element हमने क्या सेट किया साइंटिस्ट ने carbon ट्वेल्व यानी कि कार्बन टवेल्फ मिसाल के तौर पे आप क्या करें यानी कि आपको किसी भी एलिमेंट के एटम का अगर एटॉमिक मास मालूम करना होगा तो आप क्या करेंगे उसको रिलेट कर देंगे कार्बन 12 के एटॉमिक मास के साथ तो आप क्या निकाल लेंगे उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लेंगे अब रिलेट डुले, रिलेट करने से क्या मुराद है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी दुकान पर यानी कि ठेले वगैरह पे अगर आप कोई सब्ज़ी खरीदते हैं मिसाल के तौर पे आप बोलते हैं कि एक किलो आलू दे दें ठीक है तो वो तराजू के अंदर क्या रखेगा एक किलो आलू रखेगा एक साइड पे और एक तरफ क्या रखेगा रखे वो एक किलो का वेट रखेगा यानी कि वन केजी का वेट रखेगा तो वो क्या कर रहा है उस एक किलो पोटैटो को एक के वेट के साथ क्या कर रहा है रिलेट कर रहा है ठीक है क्या कर रहा है उसको रिलेट कर रहा है तो हम ये कहलाता है रिलेशन तो हम कहने रहे कि किसी भी एटम के एलिमेंट के एटम का अगर हमें एटॉमिक मास कैलकुलेट करना होगा तो हम उसके मास को किससे रिलेट करेंगे एक स्टैंडर्ड मास के साथ करेंगे वो स्टैंडर्ड मास का है आपके पास कार्बन 12 है यानी कि मिसाल के तौर पे अगर हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास हम कैलकुलेट करना है तो उसके एटॉमिक मास को हम एक मतलब फॉर एग्जांपल समझने के लिए एक तराजू में रखेंगे उसको रिलेट किससे करेंगे कार्बन ट्वेल्व के साथ अब ये कार्बन ट्वेल्व क्या है आशा टॉप आप स्टूडेंट्स आपको पता होगा किसे कहते हैं एक ही एलिमेंट के वो एटम जिनका आपके पास मास नंबर डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर सेम हो वो आपके पास क्या कहलाते हैं आइसोटॉप्स इस तरीके से कार्बन के तीन आइसोटॉप्स होते हैं कार्बन ट्वेल्व कार्बन थर्टीन और कार्बन फोटीन तो हमने यहाँ पर कौन सा एसाटॉप लिया है कार्बन ट्वेल्व लिया है तो किसी भी एटम के एलिमेंट के एलिमेंट एटम एलिमेंट का एटोमिक मास आपको मालूम करना हो तो आप क्या करेंगे उसको कार्बन टवेल्व के एटॉमिक मास के साथ रिलेट कर देंगे तो आप क्या निकालेंगे उसका एटॉमिक मास निकालेंगे ठीक है और अटोमिक मास का जो यूनिट है वो तो आपके पास क्या होता है ए एम यू नेक्स्ट आपके पास मोलिकुलर मास द मोलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज़ द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस और मोलिक्यूल यानी कि मोलिकुलर मास क्या होता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उन तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को अगर आप प्लस कर लेंगे तो वो आपके पास क्या कहलाएगा लाएगा मोलिकुलर मास किसी भी सब्सटेंस में जितने भी एलिमेंट किसी भी कंपाउंड या सब्सटेंस के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उन तमाम एलिमेंट्स के जो एटम है उनके एटॉमिक मासेस को अगर हम प्लस कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगा उसका मोलिकुलर मास जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है आपके पास अब इसमें कितने एलिमेंट है कितने एटम हैं कार्बन है और ऑक्सीजन है कार्बन के भी एटोमिक मास को और ऑक्सीजन के भी एटोमिक मास को अगर हम आपस में प्लस कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा मोलिकुलर मास जिससे आप देख सकते हैं कार्बन का अटामिक मास ट्वेल्व होता है इसके नीचे कुछ नहीं लगा तो मतलब वन ट्वेल्थ से ट्वेल्थ को वन से मल्टीप्लाई किया तो ट्वेल्थ वन था ट्वेल्व ऑक्सीजन का सिक्सटीन होता है टू लगा हुआ है टू से मल्टीप्लाई किया तो थर्टी टू दोनों के अटामिक्ल मासेस को प्लस कर लिया सम कर लिया तो आपके पास क्या आ गया फोर्टी फोर एम यू तो मोलिकुलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का क्या आ गया फोर्टी फोर एम यू आप इस तरीके से किसी और एलिमेंट का, का सब्सटेंस का या कंपाउंड के या का या मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं उसके अंदर जितने भी एलिमेंट एटम्स हो उन एटम्स के मोलिक जो एटॉमिक मास है उसका अगर आप उसको सम कर लेंगे प्लस कर लेंगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा मॉलिकुलर मास निकल जाएगा नेक्स्ट आपके पास है फार्मूला मास फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन अ फार्मूला यूनिट ऑफ द सब्सटेंस अब फार्मूला फार्मूला मास क्या होता है ये बात हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स के मोलिकुलर मास जो है वो हमारे पास मोलिकुलर मास जो है वो आपके पास कोवलेंट कंपाउंड्स का निकलता है यानी कि वो कंपाउंड जो कि कोवलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में फॉर्म होते हैं उनका निकलता है और फार्मूला मास आपके पास उन कंपाउंड्स का निकलता है जो कि आपके पास आयनिक बॉन्ड के रिजल्ट में फॉर्म होते हैं जैसे जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका आपके पास क्या होता है फार्मूला मास जैसे एनएसएल एक आयनिक कंपाउंड है और आयनिक बॉन्ड के रिजल्ट में फॉर्म होता है तो उसका क्या होना चाहिए फार्मूला मास तो अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का या आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करेंगे उस आयनिक कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम होंगे उनके एटॉमिक मासेस को आप सम कर देंगे प्लस कर देंगे तो आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे फार्मूला मास जैसे एन आपको पता है एक आयनिक कंपाउंड है एन के एटॉमिक मास को और क्लोरीन के एटॉमिक मासिस को दोनों को प्लस कर देंगी तो आपके पास क्या आ जाएगा mm -hmm. फार्मूला मास जैसे उसमें किया था आपने कि किसी भी कंपाउंड में जितने एटम थे उनके एटम के एटॉमिक मासेस को प्लस कर दिया तो मोलिकुलर मास आ गया mm -hmm. सेम इसी तरीके से यहाँ पर बस आयोनिक कंपाउंड होगा जैसे एन एस इनके एटॉमिक मासेस को भी आप प्लस कर देंगे सम कर देंगे तो आपके पास क्या जाएगा फार्मूला मास जैसे सोडियम का ट्वेंटी थ्री कुछ नहीं लगा वन से मल्टीप्लाई किया ट्वेंटी थ्री आ गया क्लोरिन का थर्टी होता है कुछ नहीं लगा वन से मल्टीप्लाई किया तो थर्टी फाइव पॉइंट फाइव आ गया दोनों को सम किया तो फिफ्टी एट पॉइंट फाइव क्या आ गया आपके पास ए एम यू एटॉमिक मास का यूनिट होता है और मास आपने इसका निकाल लिया एन एस एल का नेक्स्ट आपके पास क्या है मोलर मास मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स रिलेटिव मास मासप्रेस इन ग्राम्स मोलर मास ऑफ कार्बन ट्वेल्व ए एम यू एंड देयर फॉर द मोलर मास ऑफ कार्बन विल बी ट्वेल्व ग्राम किसी भी सब्सटेंस के रिलेटिव मोलिकुलर मास को अगर आप जो है वो एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में यानी कि उसके साथ ग्राम लगा देंगे तो वो आपके पास क्या कहलाएगा मोलर मास जैसे रिलेटिव एटॉमिक अभी हम पढ़ चुके हैं एटॉमिक मास में हमने पढ़ा कि हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करते हैं उसे एक स्टैंडर्ड एटम के साथ एक स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड एलिमेंट के एटम के मास के साथ उसका मास मास्क करवाते हैं रिलेट करवाते हैं तो आपके पास क्या कहलाता है एटॉमिक पास और वो स्टैंडर्ड आपके पास मास क्या आता है कार्बन ट्वेल्व का इसी तरीके से आप ये क्या कह रहे हैं मोलर मास क्या है कि मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स इज इट्स रिलेटिव मोलिकुलर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम यानी कि किसी भी मोलर मास किसी भी सब्सटेंस का अगर हम उसके रिलेटिव जो मोलिकुलर मास है उसको हम ग्राम में मेजर करेंगे तो आपके पास क्या कहलाएगा मोलर मास मिसाल के तौर पे किसी भी चीज़ का जो भी एटॉमिक मास होगा मिसाल के तौर पे अगर हम उसको ग्राम में मेजर कर लेंगे तो वो आपके पास क्या कहलाएगा मोलर मास जैसे कार्बन का एटॉमिक मास जो मास है वो आपके पास है ट्वेल्व एम यू अगर आप उसी को ग्राम में मेजर कर लेंगे तो जैसे ट्वेल्व ग्राम लिख दिया तो वो ट्वेल्व ग्राम क्या है आपके पास मोलर मास और अगर इसी को मैंने ए एम यू में कर दिया तो वो क्या हो जाएगा एटॉमिक मास अगर हम ग्राम में मेजर करेंगे तो ग्राम के बता रहा है कि वो मोलर मास है और अगर एम यू में मेजर कर देंगे तो वो क्या बता रहा है कि वो उसका क्या है एटॉमिक मास है ठीक है इसी तरीके से अगर आपके पास सोडियम है, तो 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 है सोडियम का एटॉमिक मास क्या ट्वेंटी थ्री अगर ट्वेंटी थ्री के साथ में लिख दूंगी कि ट्वेंटी थ्री ग्राम तो वो ग्राम में क्या होगा उसका मोलर मास होगा ठीक है और एम यू में क्या होगा वो उसका एटॉमिक मास होगा इस तरीके से अगर हम ग्राम में लगाएंगे तो वो ग्राम ग्राम के साथ क्या कहलाएगा वो मोलर मास कहलाएगा नेक्स्ट आपके पास है मोल मोल कैन बी डिफाइन एज द मोलिकुलर मास एटॉमिक मास एंड फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेसड इन ग्राम मोल किसे कहते हैं आपके कि किसी भी यानी कि मोलर किसी भी सब्सटेंस का मोलिकुलर मास भी एटॉमिक मास और फार्मूला मास तीनों को अगर हम ग्राम में मेजर कर लें यानी कि किसी भी चीज़ सब्सटेंस का मोलिकुलर मास भी और उसका एटॉमिक मास भी और उसका फार्मूला मास भी अगर हम तीनों चीज़ों को ग्राम के अंदर ले लेंगे ठीक है किसके अंदर ले लेंगे ग्राम के अंदर ले लेंगे तो आपके पास वो क्या कहलाएगा मोल कहलाएगा जैसे मिसाल के तौर तो पे हमने मोलिकुलर मास में कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल पढ़ी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटॉमिक मास है अगर उसको हम ग्राम में मेजर करेंगे तो वो मूल कहलाएगा इसी तरीके से फार्मूला मास में हमने आयनिक कंपाउंड की बात की एन एस सी एल की इसको भी हम ग्राम में मेजर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा मोल कहलाएगा इसी तरीके से आपके पास मोलर मास में हमने बात की कार्बन की जैसे कार्बन को हम ग्राम में हमने लिया 12 ग्राम तो ये भी क्या कहलाएगा मोल यानी कि मॉलिक्यूलर मास फार्मूला मास एटॉमिक मास तीनों चीजों को अगर हम ग्राम में मेजर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा इसका मोल कहलाएगा होपफुली स्टूडेंट अंडरस्टैंड माय लेक्चर दिस लेसन इज कंटिन्यू टू द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़